हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज नवरात्र के 8वें दिन हम लगे दुर्गाष्टमी मनाने और कन्या पूजन के लिए तैयारी करने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले माता रानी के लिए बना रहे हैं हलवा पूरी। तो हलवा पूरी का हम भोग लगाएंगे, तो इसके लिए हमने पूरियाँ तैयार कर लिए हैं और इसके बाद हम करेंगे हलवा तैयार। तो उसके बाद हमारे बनेंगे चने। तो ये हमारा भोग लगेगा आज कन्या पूजन के लिए, और इसके साथ साथ हम कन्या पूजन भी आज ही करेंगे। अक्सर हम जब हमारे माता रानी का व्रत होता है तो हम 8वें दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नवमी पे भी करते हैं, लेकिन हम अक्सर अष्टमी पे ही करते हैं। तो आज के दिन हमारे व्रत का भी पारण हो जाता है और साथ ही साथ कन्या पूजन भी। तो आप भी अपने अपने घरों में माता रानी का आशीर्वाद ले रहे होंगे, तो आप भी हमारे साथ बोलिए जय माता दी और माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। ये हमारे हिंदू पर्व का सबसे खास त्यौहार है, तो हम भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी हमारे दुख संकट हमारे सिर पर होते हैं तो माता रानी की कृपा से वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं भोग लगा के, और उसके पश्चात हम करेंगे कन्या पूजन। तो उसके लिए हमने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी, और सुबह जब जल्दी उठे तो उसके बाद लगे हैं अपने कार्यक्रम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम श्रद्धा अनुसार और हमारे घर में माता रानी का आगमन हो चुका है, और कन्या तीन कन्याएं हम छोटी छोटी कन्या हमारे निवास स्थान पर आ चुकी हैं और हम इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो अपने डेली लाइफ के इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है श्रीखंड गौधाम, तो उस पर हम गौ माता की वीडियो डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आप को बाय बाय और जय माता दी। आप भी अपने घरों में कन्या पूजन कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय माता दी, सभी मिलकर बोलो जय माता दी। जय हो माता रानी, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और साथ ही साथ सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप नवरात्रि के दिन कन्या पूजन तो सभी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप गौ माता की सेवा भी ज़रूर करें। आप अपने नज़दीकी गौशाला में, जहाँ भी आपके नज़दीक गौशाला है, वहाँ जाएं और गौ सेवा में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो हमारे पास भी कई लोग आते हैं तो जो गौ माता की सेवा के लिए, तो इसी तरह आप भी गौ माता की सेवा के लिए गौशाला या अपने घर में आप गौ सेवा ज़रूर करें, तो वही सच्चे रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे हर जगह रोड पे आप देखते होंगे कि कितनी गौ माता लावारिस घूमती रहती है, वो सभी, उनके पास कोई भी आश्रय नहीं है। तो आश्रय नहीं है तो उन्हें हम में से ही कुछ लोगों ने रोड पर छोड़ दिया। तो आप वो उनकी सेवा भी ज़रूर करें और गौशाला में अपनी सेवा के रूप में, तन मन धन के रूप में आप ज़रूर दीजिए, जिससे आपको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हम भी अभी कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन अपनी गौशाला में जाएंगे, तो उस दिन गौ माता की सेवा करेंगे, उसका भी वीडियो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, जय माता दी, सभी मिलकर बोले जय माता दी, जय माता दी।